रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले, फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज पी एक्स करके है, इट इज 2x² - 8x + 6। तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है। और यदि मैं इनके कोफिशियंट्स की बात करूँ इस पॉलिनोमियल के अंदर जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2, एक्स का कोफिशियंट क्या है, -8, और एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मीन्स 1, तो ये बेसिकली कॉन्स्टेंट है, राइट, दैट इज कॉल्ड 6। तो हमारे ये तीन कोफिशियंट है और हमको क्या पता लगाना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस मीन्स वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो रूट, राइट, कि जिस पे इसकी वैल्यू जीरो हो, या वो फैक्टर्स, राइट, वो फैक्टर्स हम निकालने हैं, तो हमको मालूम चल जाएगा किस पर ये इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो उनके बीच में जो जीरोज़ हैं और ये जो कोफिशेंट हैं 2, -8 और 6, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होती है, और यदि है तो व्हाट इज़ दैट। तो इसको पहले कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, तो हम जीरोज़ निकाल सकते हैं। तो फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजिंग इट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है, -8x, इसको हम जो है स्प्लिट करेंगे। यही हमने सीखा था 9th क्लास में, कैसे स्प्लिट करेंगे कि जो पहला कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का और ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 × 2 = 12। तो मींस इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 8 को कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो 12 होगा और जो सम होगा वो जो -8 है उतना होना चाहिए। तो -8 को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। कैसे कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, -6 and -2x ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 6 को मल्टीप्लाई होगा 6 × 2 = 12, तो 6 × 2 = 12 बराबर हो गए, और -8 - 2 + -6 कितना हुआ, -8, तो सम तो माइनस सेंटर टर्म के बराबर हो गया और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये दोनों जो बाहर की टर्म है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो गया। अब ऐसे यदि एक्स एक्स को कर दूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो 2x² और कॉन्स्टेंट टर्म का टर्म एग्जैक्टली सेम होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मेथड। अब क्या है, इसमें से जो कॉमन चीज़ें बाहर निकालो, सो लेट्स फाइंड आउट। तो ये पहले दो में से देखो हमने क्या 2x निकाला, तो यहाँ क्या रहेगा x और यहाँ रहेगा माइनस और ये 3, क्योंकि 3 × 2 = 6 होगा, 6 एक्स हो जाता। ऐसे ही -2 यहाँ निकाल लिया, अंदर क्या बता है x -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, 6 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से भी अब देखो ये दो टर्म हो गई, इसमें से x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 2 और बाहर क्या लिख लिया कॉमन, x - 3, ये लिख सकते हैं। और इसमें से भी देखो यदि आप चाहो तो 2 बाहर निकाल सकते हो। तो हमने जो ये पॉलिनोमियल है इसके ये हमने क्या बना दिए, दीज आर द 3 फैक्टर्स। क्या फैक्टर हुए, 2 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट वन, अनदर इज x - 1 and x - 3। अब हम यदि बोल रहे हैं हमको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये मेथड से हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके फैक्टर्स निकाल लिए और अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ए पॉलिनोमियल को यदि हमको जीरो वैल्यू पता लगानी है तो हम क्या बोलते हैं कि ये फैक्टर जीरो हो जाए तो भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे, 2 × 0 × this वैल्यू इज जीरो, या ये वाला x - 3 ये जीरो हो जाए तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं कि x - 1 ये फैक्टर है वो जीरो हो जाए, या ये फैक्टर जीरो हो जाए, तो हमको मालूम चल जाएगा ये जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो x - 1 यदि इज इक्वल टू जीरो, ये पहला वाला फैक्टर जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, और सेम वे में सेकेंड फैक्टर जो x - 3 वो जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू जब 3 होगी तो ये जो पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यदि मैं वहाँ 1 लिख दूँ तो 1 - 1 जीरो, और यदि मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो 3 - 3 जीरो, यही मतलब है। तो व्हाट आर दीज, x = 1 और x = 3, आई कैन से दीज आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अब पॉलिनोमियल हमारा क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स एक्स की पावर 2 है। तो हमें ये मालूम चल गया, तो हमें जीरोज तो मालूम चल गया, अब हमको कोफिशियंट मालूम ही है, क्या कोफिशियंट है, 2, -8 और 6। अब हमको ये देखना है 2, -8 और 6 और ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या कोई रिलेशन है, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो ये हम क्या करते हैं, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को एक बार क्या करते हैं, ऐड करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स डू इट, द सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, 1 और 3 का सम, तो आई कैन राइट 1 + 3 = 4,
और इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 को मैं ये लिख सकता हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ। मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये जो कोफिशियंट है 2, -8 और 6 उनके बराबर लाना है। तो देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 से क्या हो गया 8/2, तो ये देखो 8 से मैच कर रहा है और ये 2 से मैच कर रहा है, पर यहाँ क्या माइनस साइन है, तो एक बार माइनस से और मैच करा लो। तो माइनस के लिए क्या, मैंने माइनस बाहर लिखा और -8/2, तो देखो -8 इज दिस कोफिशियंट, विच कोफिशियंट ऑफ वट एक्स, एंड 2 इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे को एक फार्मूला मिल गया, तो वट आई कैन मेक, जिसको जीरोज ऑफ रूट को हम सम ऑफ द रूट्स भी बोलते हैं, तो आई कैन राइट कि माइनस माइनस साइन बाहर लेके और ब्रैकेट में क्या है -8, तो आई कैन राइट दिस वे कि -8 क्या है इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स और 2 क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला वी हैव जनरेटेड कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है कि वो कोफिशियंट की एक रेशियोज के बराबर होता है। कौन कौन से कोफिशियंट, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स मीन्स ये वाला एक्स का कोफिशियंट डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ दिस पहला रूल। अब यदि इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो उससे कुछ निकलता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 1 × क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, 3। अब यहाँ पे 3 तो है नहीं, 6 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 6/2। अब 6 क्या है, ये पहला किसका कोफिशियंट है, x की पावर 0 ये बोल सकते हैं, और ये 2 क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वी कैन हैव अ फार्मूला। सो द फार्मूला इज लाइक द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 0 डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और x की पावर 0 क्योंकि हम नॉर्मली लिखते नहीं है, तो वी कैन से 6 इज बट अ कॉन्स्टेंट, तो आई कैन राइट अ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट इज 6, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, सो वी हैव दिस फार्मूला। और इसको हम ये भी बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्योंकि हमारे टाइम में एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला जाता था जीरोज की जगह, इसलिए मैं बार बार रूट यूज़ कर रहा हूँ, बट बिकॉज यू आर यूजिंग जीरोज, सो लेट्स इन फ्यूचर वी विल यूज़ द वर्ड जीरोज, राइट। वो वैल्यू ऑफ एक्स ऑन विच द पॉलीनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यही मतलब। तो वी हैव नाउ वी हैव जनरेटेड वेरी गुड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट। और द क्वेश्चन ये आता है, इज दिस ट्रू फॉर ऑल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, सारे पॉलीनोमियल्स के लिए ट्रू है, या ये तुक्के से हमारा ये सही निकल गया रिलेशन, तो एक क्या तरीका है इसके लिए, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, उसको करके देखते हैं एग्जैक्टली सेम है। सो द अनदर पॉलीनोमियल इज 3x² + 5x - 2, कोफिशियंट क्या है 3 है प्लस 5 है और -2, 3 कोफिशियंट है, ओके। यदि ये 3 कोफिशियंट है तो पहले इसके रूट्स निकालें, जीरोज निकालें, क्या है सेम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट करना है, किसको स्प्लिट करना है 5 को, 5 को क्या करना है 3 × 2 = 6, तो मैं 5 को स्प्लिट करूँगा, कैसे करूँगा, तो आई विल डू दिस वे 6 × 1 = 6, तो देखो ये 6 × 1 = 6 हो गया, और ये प्लस रखा ये माइनस रखा, तो देखो दोनों का आंसर आ गया +5 आ गया। अब तो बस सिंपल क्या करना है, जो जो कॉमन है इधर वाली टर्म में फर्स्ट टू में और इधर वाली टर्म में अलग अलग कॉमन अलग कर लो, तो इधर देखो मैं निकाल सकता हूँ 3x कॉमन निकाल सकता हूँ, ये अंदर x रह गया, इसमें से 3 निकाल लिया तो बचा 2 और x निकाल लिया बाहर चला गया, ये हो गया। इस साइड क्या निकालूंगा माइनस, तो x + 2, क्योंकि ये प्लस x + 2 आ गया, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इधर आपको x + 2 ही लाना होगा, इसी तरीके से आपको माइनस बाहर निकालना, और वो आप ही रहा है बाय द वे। अब क्या कर सकता हूँ x + 2 को बाहर निकालूँ, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3x - 1 और x + 2, तो आई कैन राइट, या तो मैं निकालूँ x + 2 को इधर निकाल लिया 3x - 1, दिस वे आई कैन राइट, और या मैं अपोजिट लिख सकता हूँ 3x - 1 यहाँ पे x + 2 लिख दूँ, एक ही मतलब होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स मैंने ये जो मेरा पॉलीनोमियल है आई कैन राइट px = x + 2 and 3x - 1, ये इसके फैक्टर फॉर्म में आ गए। जब मुझे फैक्टर मालूम चल गया तो मैं क्या बोलूँगा, ये पॉलीनोमियल का ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x + 2 = 0 या 3x - 1 = 0। इससे मुझे x की वैल्यू मालूम चलेगी, x की वैल्यू इसके इससे क्या मालूम चाहिए x = -2, और इससे क्या मालूम चलेगी 1 इधर गया 1/3, तो x की वैल्यू ये x की वैल्यूज पर मेरा ये पॉलीनोमियल 0 होगा, दैट इज़ व्हाट वी लर्न अर्लियर आल्सो। तो ये क्या मेरी हो गई रूट्स, तो मेरे को दो रूट्स मालूम चल गए। अब मुझे रिलेशन पता लगाना, तो लेट्स सी हम क्या है सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या बोला था हमने, इन दोनों का सम -2 और 1/3, जैसे अब इसको सॉल्व करो 3 × 2 = 6 और +1 क्या हो गया -5/3। 5 क्या है देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो वही आ गया माइनस साइन बाहर ले लिया, कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स का 3, देखो इसका कोफिशियंट है। सेम यदि मैं प्रोडक्ट के बारे में निकालूं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 × 1/3, तो क्या होगा -2/3, तो -2 क्या है यहाँ पे देखो ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म,
तो वही आ गया एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स वट एवर वी हैव प्रूव्ड इन प्रीवियस एग्जाम्पल अगेन इट हैज़ बीन प्रूव। तो दो दो बार तो तुक्का नहीं लग सकता। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो वी हैव फाउंड आउट कि फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो देर इज डेफिनेटली देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी उसके कोफिशियंट है। ठीक है, इसको थोड़ा जेनरिक बना लेते हैं हम रूल को, ऐसे तो याद नहीं रहेगा। तो जेनरिक क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जेनरिकली? जेनरिकली हम इस टाइप से लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है सपोज पी एक्स इज अ कोऑर्डिनेटर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और याद है ना ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए यदि जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर जीरो हो गया, और यदि एक्स स्क्वायर जीरो हो गया, यदि ए जीरो है तो मल्टीप्लिकेशन जीरो, यदि ये जीरो है तो बी एक्स प्लस सी, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, कोफिशियंट रहा ही नहीं, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं, डिग्री इसकी क्या हो गई, वन हो गई टू की जगह। सो दिस इज द जेनरिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसकी यदि रूट्स हम बोलते हैं इसको सॉल्व करके आपने स्प्लिटिंग मेथड से आपने निकाल लिया इसकी जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, मीन्स ये वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई, एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या होता है जीरोज़ हो जाता है। तो अल्फ़ा एंड बीटाज आर द जीरोज और द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि ये रूट्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब ये हुआ, या दूसरे तरीके से बोले एक्स माइनस अल्फ़ा और या एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये मतलब होता है, क्योंकि वहाँ क्या बोल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू दिस पर ये जीरो होगा और वापस ले जाएंगे तो क्या होगा, ये फैक्टर बन गया, राइट। और यदि ये दोनों फैक्टर हैं तो हम इस पूरी इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं पी एक्स को, तो देयरफॉर वी कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स के, हमने एक कॉन्स्टेंट ले लिया, मीन्स ये दोनों इसके प्रोपोर्शनल हुए, तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के, के इज अ कॉन्स्टेंट, तो पहला फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। और k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन से लेके प्लस माइनस एनी वैल्यू हो सकती है, सो इज़ अ कॉन्स्टेंट, इज एन इंटीजर बेसिकली, कोई वैल्यू भी प्लस माइनस में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, तो देखो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये फॉर्मूला आपने मालूम ही है, एक्स प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा और एक्स, ऐसे नहीं याद रखो, या था फार्मूला क्या था, एक्स प्लस ए प्लस एम मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, यही फार्मूला था, यहाँ माइनस दे दिया तो बस माइनस एन लग गया। ठीक है, और नहीं भी याद है तो आप मल्टीप्लाई करके आपको यही आएगा, और इसको यदि मैं और एक्सपेंड करूँ तो के से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमको क्या मालूम चला इससे हमको ये मालूम चला कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, के है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है माइनस के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, और कॉन्स्टेंट क्या है के अल्फ़ा बीटा, सो दीज आर वट, दीज आर द कोफिशियंट। अब हमको कोफिशियंट को कंपेयर किससे करना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, या ये जो हमारे कोफिशियंट हैं जो हमारी जेनरिक इक्वेशन दी है उससे कंपेयर कर लेते हैं, हमारा मालूम चल जाएगा। सो लेट्स डू इट। सो देखो हमारा ये क्या है, के जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, ए है, तो ए इज इक्वल टू के हो गया यदि अल्फा बीटा रूट्स हैं, और बी क्या हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। सेम वे में सी जो है इससे कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो क्या हो गया, के अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। तो हमको ए बी सी कोफिशियंट मालूम चल गया, और इससे यदि मैं देखो इन तीनों को यदि सॉल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है तो मैं के की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल सकती है, ऐसे ही मैं यहाँ ए लिख दूँ तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई इक्वेशन निकल सकती है। सो लेट्स डू इट। तो दिस गिव्स अस क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है ए लिखा और ये इधर चला गया तो यही आ गया माइनस बी अपॉन ए, और देखो माइनस बी अपॉन ए क्या है, सेम वे में अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये दोनों आ गए, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जीरोस और द रूट, और तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है बी का कोफिशियंट है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और यही हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल निकाला, ऐसी मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, या यहाँ से हमने क्या लिख दिया माइनस बी अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला है, ओके। दूसरे में देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें या प्रीवियस में एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशियंट, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सी डिवाइड बाय ए, और इससे भी देखो क्या आ रहा है सी डिवाइड बाय, यही आ रहा है। तो हमने क्या है दोनों
इस जेनरिक इक्वेशन से निकाल लिया कि यदि अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं या जीरोज हैं तो उनका सम हमेशा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो याद रखो सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। सिंपल है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। दो बार आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल, कुछ विच पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की हमने रिलेशंस बहुत क्लियरली निकाल ली।